हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में 1977 के ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी अमर अकबर एंथोनी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को दो पार्ट्स में बनाया है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए। प्लीज हमारे चैनल सीने अरहो को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबाइए। वेलकम टू आवर चैनल सीने अरहो। ऐसे प्रोड्यूसर अमर अकबर एंथोनी, ये मनमोहन देसाई की पहली फिल्म थी। उसके पहले उन्होंने 20 साल तक सिर्फ फिल्मों का डायरेक्शन ही किया था। केतन देसाई ने उनके पिताजी मनमोहन देसाई को अमर अकबर एंथोनी इस फिल्म में असिस्ट भी किया था। मनमोहन देसाई विनोद खन्ना से पहले धर्मेंद्र को साइन करना चाहते थे, लेकिन उन दिनों धर्मेंद्र काफी बिजी होने की वजह से उन्होंने अमर अकबर एंथोनी करने से इनकार कर दिया था। लेकिन धर्मेंद्र ने अमर अकबर एंथोनी का मुहूर्त शॉट का क्लैप दिया था और अमर अकबर एंथोनी का मुहूर्त जून 1975 में हुआ था। 1975 में गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। इसी बीच मनमोहन देसाई की चार फिल्में अटक गई थी, इसीलिए 1977 में मनमोहन देसाई की बैक टू बैक चारों फिल्में रिलीज हुई थी। वो फिल्में थी परवरिश, अमर अकबर एंथोनी, चाचा भतीजा और धर्मवीर। ये चारों फिल्में लॉस्ट एंड फाउंड स्टोरी पे बेस्ड थी। जैसे फिल्म के शुरू में एक्ट्रेस का बिछड़ जाना और बड़े होकर आखिर में मिल जाना, लॉस्ट एंड फाउंड कैटेगरी में मनमोहन देसाई की और फिल्में जैसे सुहाग, कुली और मर्द को भी रखा जा सकता है। मनमोहन देसाई के अलावा उस दौर की लॉस्ट एंड फाउंड कैटेगरी की कुछ और हिट फिल्में थी, जैसे यादों की बारात, हाथ की सफाई, सीता और गीता, राम और श्याम, जॉनी मेरा नाम, हम किसी से कम नहीं और इत्यादि। अमर अकबर एंथोनी मूवी और मूवी के डायलॉग्स काफी फेमस हुए थे। फिल्म को पॉपुलर करने के लिए अमर अकबर एंथोनी के पोस्टर्स, पोस्टकार्ड और गानों के पर्चे छापे गए थे। स्कूल जाने वाले बच्चों के कॉम्पॉक्स बॉक्स, बुक्स, पेंसिल्स, इरेजर, रबड़ पे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना के नाम और फोटोज छापे गए थे। अमर अकबर एंथोनी 1977 की एक हिट और हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। फिल्म का क्या बजट था इसकी इन्फॉर्मेशन तो कहीं पे नहीं मिली। हाल ही में जो फिल्म ने अपने 43 साल पूरे कर लिए थे, तब अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, अमर अकबर एंथोनी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 7 करोड़ और 25 लाख रुपए और ये आज की तारीख में बाहुबली 2 से भी ज्यादा हो सकता है। बाहुबली 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है 1810 करोड़। 1977 में धर्मवीर और हम किसी से कम नहीं भी हिट मूवीज थी। लॉजिकली फिल्म में विनोद खन्ना के लिए कोई हीरोइन नहीं थी। विनोद खन्ना का एक सीरियस पुलिस इंस्पेक्टर का रोल था, लेकिन तीनों भाइयों के लिए हीरोइन होनी चाहिए, इसीलिए मनमोहन देसाई ने विनोद खन्ना के लिए शबाना आजमी को साइन कर लिया। कहानी में कुछ चेंजेस करके नादिरा को शबाना आजमी की सौतेली माँ और विलन रंजीत को शबाना आजमी का सौतेला भाई बना दिया गया। मनमोहन देसाई ऋषि कपूर को अकबर के रोल के लिए लेना चाहते थे। जब मनमोहन देसाई ने ऋषि कपूर को फोन किया तो ऋषि कपूर को ऐसा लगा कि उनको बादशाह अकबर का रोल करना है जो उनके दादाजी पृथ्वीराज कपूर जी ने मुगले आजम में किया था। उसके बाद जब मनमोहन देसाई ने उनको फिल्म की कहानी और रोल समझाया, तब ऋषि कपूर ये रोल करने के लिए तैयार हो गए। अमर अकबर एंथोनी में जीनत अमान को परवीन बॉबी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन बात कुछ बनी नहीं और बाद में ये रोल परवीन बॉबी को चला गया। अमर अकबर एंथोनी के बाद में परवीन बॉबी मनमोहन देसाई की फिल्म सुहाग और देशप्रेमी में नजर आई थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन का फेमस डायलॉग, ऐसा तो आदमी दो इच टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो, यह डायलॉग लोगों के बीच में काफी फेमस हुआ था। इसी वजह से मूवी के डायलॉग्स के अलग से ऑडियो कैसेट्स निकाले गए थे। एक सीन में अमिताभ बच्चन वेस्टइंडीज के बॉलर एंडी रॉबर्ट के बारे में कहते हैं, रॉबर्ट तो वेस्टइंडीज चला गया। इसी वजह से अमर अकबर एंथोनी वेस्टइंडीज देश में काफी हिट हुई थी और काफी चली थी। अमर अकबर एंथोनी के रिलीज हो जाने के बाद में अमिताभ बच्चन को कुछ लोग एंथोनी भाई करके भी बुलाने लग गए थे।
अमर अकबर एंथोनी में विनोद खन्ना ने अमिताभ बच्चन के बड़े भाई का काम किया था, लेकिन असल जिंदगी में अमिताभ बच्चन 4 साल बड़े हैं विनोद खन्ना से। अमर अकबर एंथोनी के अलावा ऋषि कपूर ने मनमोहन देसाई के साथ नसीब, कूली और अनमोल जैसी फिल्मों में काम किया और विनोद खन्ना ने मनमोहन देसाई के साथ सच्चा झूठा और परवरिश में काम किया। रियल लाइफ में भी ऋषि कपूर एक साई भक्त रहे हैं। एग्जैक्टली तो याद नहीं, 1997 या 1998 में मैंने उनको खुद शिरडी के साई बाबा मंदिर में देखा था। शिरडी के साई बाबा मंदिर में ऋषि कपूर जी वीआईपी दरवाजे से अंदर आए और बाबा की मूर्ति की तरफ कुछ देर तक देखा और एक ब्रीफकेस में जिसमें शायद डोनेशन था लेकर चले गए। 1983 में आई अमिताभ बच्चन और रजनीकांत की फिल्म अंधा कानून में भी तीनों विलन के नाम भी अमर, अकबर और एंथोनी ही थे। प्रेम चोपड़ा का नाम था अमरनाथ, डैनी का नाम था अकबर अली और प्राण का नाम था एंथोनी डिक्रूस। अमर अकबर एंथोनी की दूसरी भाषाओं में भी रिमेक्स बनी है। 1978 में तमिल रिमेक्स बनी शंकर सलीम सिमोन, 1980 में तेलुगु रिमेक बनी राम रॉबर्ट रहीम, 1982 में मलयालम रिमेक बनी जॉन जाफर जनार्दन और आखिर में 2018 में फिर से तेलुगु रिमेक बनी अमर अकबर एंथोनी इसी नाम से। मशहूर एक्ट्रेस हेलन का सिर्फ एक ही सीन है मूवी के अंदर जिसमें वो डुप्लीकेट जेनी बनी है, उसके बाद में हेलन को फिल्म में नहीं दिखाया गया है, शायद एडिटिंग में रोल कट कर दिया गया हो। मशहूर विलन जीवन का सिर्फ एक ही सीन में डबल रोल दिखाया गया है। मनमोहन देसाई के हर दूसरी फिल्म में जीवन नजर आते थे, शायद जीवन मनमोहन देसाई के लिए लकी थे। अमर अकबर एंथोनी के रिलीज हो जाने के बाद में परवीन बॉबी के बने बॉडीगार्ड जैबिस को यानी यूसुफ खान भी काफी फेमस हो गए। उन्होंने बाद में काफी सारी फिल्मों में काम किया जैसे कि परवरिश, बॉक्सर, डिस्को डांसर, कसम पैदा करने वालों की, घर एक मंदिर और अशांति। अमर अकबर एंथोनी को रिलीज होकर अब 43 साल बीत चुके हैं और इसी बीच फिल्म से जुड़े कई सारे लोग अब हमारे बीच में नहीं रहे, जैसे कि विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, परवीन बाबी, निरुपा रॉय, प्राण, कादर खान, जीवन, आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के लक्ष्मीकांत, मुकरी, नासिर हुसैन, कमल कपूर, नादिरा, यूसुफ खान और फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई। भगवान सभी के आत्मा को शांति प्रदान करे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जैसे कि हमने पहले बताया था, वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाया है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सीने अरहो को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।